राहुल गांधी की हालत उस वास्तुशास्त्री की तरह हो गई है जो घर के सामानों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देता है और कहता है अच्छे दिन आएंगे। एक बार फिर से उनके हाथों लिया फैसला कुछ ऐसा ही बता रहा है। बेशक ये बात आपको चौंका रही है, लेकिन ये सच भी है। सामने तीन राज्यों का चुनाव है और सामने है सबसे बड़ी परीक्षा, साल 2019 की परीक्षा। इस परीक्षा की तैयारी राहुल ने संगठन में कुछ बदलाव के साथ शुरू किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा को कोषाध्यक्ष पद से हटाकर महासचिव प्रशासन बना दिया है, जबकि उनकी जगह ली है सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार माने जाने वाले अहमद पटेल ने। आपको याद ही होगा पिछले साल कांग्रेस ने अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी थी। आनंद शर्मा को पार्टी का विदेश विभाग का सचिव बनाया गया है, उन्हें कर्ण सिंह की जगह मिली है। सीपी जोशी का ओहदा भी बदल गया है, उनकी जगह अब गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फ्लेरियो को पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें असम शामिल नहीं है उसका प्रभारी बनाया गया है। सीपी जोशी को पूर्वोत्तर के प्रभारी महासचिव से मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल वो राजस्थान विधानसभा चुनाव का काम देख रहे हैं। राहुल की नई कमेटी में 22 सदस्य, 19 आमंत्रित सदस्य और 10 विशेष आमंत्रित सदस्यों को शामिल किया गया है। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने बतौर आमंत्रित सदस्य के तौर पर जगह ली है, लेकिन खबर ये भी है कि इस बदलाव से कांग्रेस में कुछ नाराजगी उभर सकती है। मतलब राहुल गांधी एक तरफ 2019 की तैयारी को लेकर बदलाव कर रहे हैं, पर पार्टी नेताओं का फूला हुआ मुंह उनके इस फैसले पर राहुल को पछताने पर भी मजबूर कर सकता है।